नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले में मां बीरासिनी मंदिर प्रसिद्ध है, जहां हर कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी जो भी यहां आता है माता के दर्शन करने के बिना नहीं रह पाता है। जहानूपुर जिले से वापस लौट रहे मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पाली पहुंचकर माता बीरासिनी का दर्शन किया। आपको बता दें कि मां का दर्शन करने के साथ ही आशीर्वाद मांगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की मां से प्रार्थना भी की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता हमें स्वीकार कर रही है और माता का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पूजा करने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि मैं शहडोल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिमाद्री सिंह का नामांकन पत्र जमा करने अनूपपुर आया हुआ था। वहां से वापसी होते समय मां बीरासिनी के दर्शन के लिए यहां आया हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के 2024 के हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटों पर विजय मिलेगी और भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। ये सौभाग्य, जब भगवान की कृपा होती है तब मां बीरासिनी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आज मैं शहडोल लोकसभा के नामांकन के लिए अनूपपुर गया था। वहाँ से लौटते समय कटनी में रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए मैंने कहा सबसे पहले माता के चरणों में आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा बहुत भव्य आध्यात्मिक शक्ति है यहाँ पर और माँ बीरासिनी के दर्शन करने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर आज दर्शन करके अपने को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में तो 29 में 29 सीटें और देश में 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी के झोली में देश की जनता डालेगी और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को परम वैभव के स्थान पर पहुँचाने का जो बहुत पुराना सपना है देश की जनता उसको पूरा करेगी। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस बार वहाँ पे क्या हालात रहेगी? छिंदवाड़ा में पिछली बार 35,000 से हारे थे तो बहुत कम मार्जिन था, इस बार वो मार्जिन खत्म हो जाएगा और भाजपा ही जीतेगी वहाँ।